हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज वाली वीडियोस के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ये वाला रील्स वीडियो अभी के समय में इंस्टाग्राम रील्स पर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, और जो भी भाई इस सॉन्ग पर वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं उनके अच्छे खासे मिलियंस पे व्यूज जा रहे हैं। तो गाइज, आप भी इस प्रकार का वीडियो कैसे क्या एडिट करना है उसी के बारे में आज की इस वीडियो में सब कुछ आसान तरीके से बताने वाला हूँ और सब कुछ एडिट बताने वाला हूँ। तो गाइज, ये वाला वीडियो की एडिटिंग आपको लाइव तक देख लेनी है, तभी जाके वीडियो आपको समझ में आएगी। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर ले, क्योंकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो वही चलिए, अपने मोबाइल की स्क्रीन डालते हैं और आपको वीडियो की प्रीपेस बताते हैं। तो वही चलिए। तो गाइज, इस तरीके का रील्स वीडियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ से VN एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसको ओपन कर लेने के बाद दोस्तों मेरे सामने कुछ इस स्क्रीन के सामने आ जाता है। तो गाइज, आपको नीचे ही और शो करेगा प्लस वाला आइकन, तो मुझे प्लस वाले आइकन पे टाइप कर देना है। इस पर टाइप कर देने के बाद दोस्तों न्यू प्रोजेक्ट पर टाइप कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट पर टाइप कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे इससे मुझे 10 सेकंड वाला वीडियो को ऐड कर लेना है। तो गाइज, ये 10 सेकंड वाला वीडियो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करके रखा है, आप इसे जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाओ और ज्वाइन करो और ये वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, इसको हो जाने के बाद दोस्तों ये वीडियो मेरे सामने आ जाता है। यहाँ पे आ जाने के बाद दोस्तों ओरिजिनल पे क्लिक कर देना है। ओरिजिनल पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों टिकटॉक वाला रेस्टो को यहाँ से सिलेक्ट कर देना है और इसको बंद कर देना है। बंद कर लेने के बाद दोस्तों मुझे इस वीडियो के लाइव स्ट्रीम में ले जाना है और यहाँ से इसका ब्लैक बैकग्राउंड है उसको डिलीट कर देना है, कुछ इस प्रकार से। इतना हो जाने के बाद दोस्तों मुझे वीडियो को ओपन करके देखना है कि वीडियो मुझे कहाँ से स्प्लिट करना है। तो दोस्तों मैं क्लिक करके देख लेता हूँ। तो भाई जी, मुझे यहाँ से वीडियो को स्प्लिट करना है। तो दोस्तों मुझे 3:50 में यहाँ पे वीडियो को स्प्लिट कर देना है और एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट कर देना है। इतना हो जाने के बाद दोस्तों मुझे प्लस वाले आइकन पे टैप कर देना है और यहाँ पे वीडियो फोटो पे टैप कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप वीडियो भी सिलेक्ट कर सकते हो या फोटो भी सिलेक्ट कर सकते हो अपने दोस्त के साथ। तो दोस्तों मैं अपने दोस्त के साथ मेरे वीडियो सिलेक्ट करूँगा। तो दोस्तों मैं ऐसे एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों मुझे आगे और आ जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो वीडियो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इतना हो जाने के बाद दोस्तों जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है दोनों पार्टों के बीच में, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो मूव ऑन वाला इफेक्ट को सिलेक्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। इतना हो जाने के बाद दोस्तों इसका ड्यूरेशन बिल्कुल कम कर देना है और यहाँ से राइट कर देना है। राइट कर लेने के बाद दोस्तों अब मुझे इस दूसरे पार्ट पे आ जाना है और एफएक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। एफएक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक एफएक्स को सिलेक्ट कर देना है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे ये जीट अप वाला कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे आपको इफेक्ट मिल जाएंगे, आप इनमें से एक कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं ये वाला कर लेता हूँ। इतना हो जाने के बाद दोस्तों यहाँ से डन कर लेता हूँ। डन कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपका वीडियो बनके रेडी हो चुका है। मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको म्यूजिक ऐड करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों म्यूजिक वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, म्यूजिक पे क्लिक कर देना है और माई म्यूजिक पे क्लिक कर देना है। एक्स्ट्रा फ्रॉम वीडियो पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। ओके कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ से जो ओरिजिनल वीडियो को ऐड कर लेना है। तो वैसे ओरिजिनल वीडियो इस मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, वहाँ पे जाके डाउनलोड कर लो। और यहाँ पे मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ। नाम दे देने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं अलग फोल्डर बना लेता हूँ इसका और यहाँ से मुझे सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों मुझे यहाँ से इसको ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने के बाद दोस्तों आपका वीडियो बन के रेडी हो चुका है। मैं वीडियो आपको प्ले करके दूंगा वीडियो कैसा बना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को कमेंट से जरूर देना कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइस आपको यहाँ से वीडियो को एक्सपोर्टिंग कर लेना है।